हेलो मेरे प्यारे फैमिली, आप सभी का स्वागत है कृषि वन टू यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है जीबी व्हाट्सएप के मैसेज शेड्यूल एंड ऑटो रिप्लाई के बारे में। गाइज, आज की वीडियो में हम दोनों को एक्सप्लेन करने वाले, मैसेज शेड्यूल क्या है और ऑटो रिप्लाई क्या है। तो गाइज, आज की वीडियो में बहुत ही जानकारी देने वाले, बहुत ही यूनिक जानकारी देने वाले। गाइज, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजेगा ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल्स में कौन सा वो ट्रिक है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। तो देखिए गाइस, आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको बता देते हैं जीबी व्हाट्सएप के जो दो सेटिंग, जो कि मैसेज शेड्यूल और ऑटो रिप्लाई के बारे में आपको बताते हैं, पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चले गए, यहाँ पे ओपन कर लेते जीबी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ओपन कर लेते जीबी व्हाट्सएप। तो देखिए गाइस, ओपन हो चुका है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो देखिए गाइस, आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, मैसेज शेड्यूलर और ऑटो रिप्लाई। तो गाइस, पहले आपको बता दें तो मैसेज शेड्यूलर का मतलब क्या है गाइस। तो गाइस, मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है, यानी कि कल बर्थडे है। तो गाइस, कल बर्थडे है तो गाइस आपके पास टाइम नहीं है, तो गाइस मैसेज शेड्यूलर का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। क्या है कि दोस्तों, आप बिजी हो तो आपका रात 12 बजे आप उसको विश नहीं कर पाओगे। तो गाइस, इसमें आप सेट करके आप उसे विश कर सकते हो, यानी कि सेट करके आपको सेट कर देना है। रात का जैसे 12 बजेगा गाइस, वो मैसेज उधर चला जाएगा कि हैप्पी बर्थडे बोल के। तो कैसे गाइस, कैसे करके आप सेट करना है, तो सिंपली मैसेज शेड्यूलर पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर प्लस का आइकन, यानी कि प्लस का आइकन यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए गाइस, यहाँ पर प्लस का आइकन खुल चुका है। तो देखिए गाइस, प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद जो भी कॉन्टैक्ट में है रहेगा, तो गाइस जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे डेट टू सेंड मैसेज, तो गाइस यहाँ पर क्लिक करना है। और जो भी डेट, यानी कि अभी 6 जुलाई, तो गाइस नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 जुलाई कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस, टाइम यहाँ पर दे देते हैं, यानी कि 12 बजे, यानी कि देखिए गाइस 12 बजे। तो गाइस 00:12 बजे हो गया और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैप्पी बर्थडे बोल के। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ, हैप्पी बर्थडे। तो देखिए गाइस, हैप्पी बर्थडे हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हो चुका है। देखिए गाइस, सेंड टू रिप, यानी कि प्रया। देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज हैप्पी बर्थडे, डेट यहाँ पे 2022/7/7 दिखा रहा है, टाइम भी देखिए गाइस 12 बजे। तो गाइस, ये हो चुका है शेड्यूल मैसेज। तो गाइस, जब भी 12 बज जाएगा, अभी देखिए 10:06 हुआ है, 12 बज जाएगा गाइज, उसको सेंड हो जाएगा हैप्पी बर्थडे बोल के। तो गाइस, ये है मैसेज शेड्यूल का ऑप्शन। तो गाइस, दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। देखिए गाइस, ऑटो रिप्लाई। तो गाइस, आपको मैं बता दूँ, ऑटो रिप्लाई का मतलब है आप इंस्टेंट सोल्यूशन, यानी कि इंस्टेंट रिप्लाई देना। तो गाइस, आप किसी के साथ, यानी कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हो, दोपहर को गुड आफ्टरनून, यानी कि 4 बजे गुड इवनिंग, और नाइट में गुड नाइट। तो गाइस, आपको कोई विश करता है गुड मॉर्निंग बोल के, तो गाइस आप चाहते हो कि बिजी हो, तो गाइस आप अपने आप ही जो ऑटो रिप्लाई हो जाए कि गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बोल के। तो गाइस, कैसे करें करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ऑटो रिप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। देखिए गाइस, रिप्लाई इफ़ कॉन्टेंट्स, रिप्लाई इफ़ इक्वल, रिप्लाई टू ऑल मैसेज। तो गाइस, यहाँ पे ज़्यादातर लोग रिप्लाई इफ़ इक्वल पे क्लिक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो मैसेज देना चाहते हो, यानी कि जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, हो चुका है गुड मॉर्निंग। तो गाइस, यहाँ पे डिले मैसेज, तो गाइस यहाँ पे यानी कि सेकंड, कितना सेकंड में देना चाहते हो। तो गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सेकंड। तो गाइस, यहाँ पे रिसीवर, यानी बोथ ग्रुप्स कॉन्टैक्ट, तो गाइस आप बोथ दे देते ना। तो गाइस, यहाँ पे हम बोथ दे दिए। तो गाइस, यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, तो गाइस यहाँ पे हम दे देते हैं 6:07 हो गया। तो गाइस ओके हो गया, और यहाँ पे आप दे देते हैं 8:07, ओके हो चुका है गाइस, यहाँ पे हो गया। होने के बाद अब क्या करना है गाइस, ओके पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पे हो गया। तो गाइस, यहाँ पे हो चुका है। होने के बाद अब क्या करना है, अभी जो भी आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो गाइस उस तरफ आपको गुड मॉर्निंग चला जाएगा, यानी कि वेरी गुड मॉर्निंग भी आप लिख सकते हो। मैं गुड मॉर्निंग बस लिख दिया हूँ। तो गाइस, इस तरह अगर आप अपना मैसेज शेड्यूल और ऑटो रिप्लाई को यूज कर सकते हो। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको कहीं पे थोड़ा सा अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। कमेंट करोगे तो गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।